यही सोच रही हो ना कि ये सारा कुछ मैं की कह रही हूं? ता यही रहा होता जवाब। राजवीर अंकल दी विल ते इस विल च उन्होंने सारी प्रॉपर्टी हुन मेरे नाम कर दी। चंगा होया ये भी होने ही आ गई। राजवीर अंकल तो जो कुछ भी सी ना वो हुन मेरा हो चुका। ते हाँ जे दिवांश नु उन्हां दी प्रॉपर्टी चाहिए है ना तो उन्हों मेरे नाल ब्याह करना। नहीं तो मैं सारी प्रॉपर्टी चैरिटी यानी कि दान च दे दांगी। मैंने तो समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्यों हो रहा है। एक विल रीटा परजाई कोल है, एक विल जैस्मिन कोल है, ते राजवीर प्राजी दो विल एक टाइम से किदा बनवा सकते ने। गल बिल्कुल सीधी जाइए, इना दोनों चो एक वसीयत नकली है या फिर दोनों ही नकली ने। सब तो हिसाब किताब करने का यही सही मौका है। मैनू मम्मी जी के नाल नाल इस जैस्मिन की भी सच्चाई सारे घर के सामने होनी लियानी पेगी। ये गलत है, साड़ी विल 100% असली विल है। ये राजवीर जी ने आप मेरे को बनवाई सी, उन्होंने मेरी धी नू अपने घर की नूह बनाना सी। ते जो भी इस घर विच हो रहा सी ना उदे करके वो बहुत परेशान सन। अच्छा राजवीर नू कोई होर वकील नहीं लभ्या जेड़ा अपना रोना तुहाडे अगे आके रोएगा? तुसी कुछ भी झूठियां सच्चियां कहानियां बनांदे रहोगे ते असी तुहाडियां कहानियां ते यकीन कर लवांगे। हुणे इसे वेले अपनी इस धी नू लेके इथों दफा होवो, किते ना होवे कि मैनू इथे पुलिस बुलानी पवे। दीवान जी देखो प्लीज मेरी गल सुनो, दरवाजा खोल दो, मैं थोड़े नाल कोई गल करनी है, दरवाजा खोलो। मैं क्यों ओदी फिकर करा, वो केड़ा मेरा मुंडा, केड़ा मेरा मुंडा, वो ते राजवीर ते ममता दा, इसलिए मेनू ओदी कोई परवाह नहीं, कोई परवाह नहीं। दरवाजे मैं थोड़े अगे बेनती कर दी हां, इधर आ करो, दरवाजा खोल दो। दीवान दीवान दरवाजा खोल। हुण दस केड़ी गल दी आकड़ दिखा रही सी आ टुकड़िया दे सिर ते, ये तो हुण कूड़ा हो गए। हुण ना ते तेरे कोल कोई विल है ते ना ही कोई फैसला लैन दा हक, इस करके तू चुप चाप मेरे दीदी जी दे पैर फड़ के उन्ना तो माफी मांग ले, नहीं तो मैं तेरे प्यो नू रस्सी ना बुन के जानवर वांग कुटांगा। तो मामा जी कह रहे हैं ना खेती कर, इदा तेरे प्यो दा देखी मैं की हाल करदा, बड़ा अहंकार सी ना तेनू लागी औकात पता, चल माफी मांग चल। अज इन्ने साल बाद मैनू एहसास हो गया कि मेरी सकी मां दी जगह कोई नहीं ले सकता। मैनू किसी ते भी इन्ना भरोसा नहीं करना चाहिदा सी, अज अपनी मां नू छड़ के मैं दूजी मां ते
भरोसा करन दी गलती दी सजा ही भुगत रहा। इतना टाइम ताटे ना गल नहीं की थी। शायद ऐसे गलती दी सजा राम मेनू दे रहा। हमेशा रीटा मम्मा नू तोड़ को अगे रखिया क्योंकि मिल गया कि उन्होंने अलावा कोई होर मेरा इन्ना चंगा नहीं सोच सकता। गलत सी मैं मां तुहाडे अलावा किसी ने भी मेरा चंगा नहीं सोचा। किसी ने भी वो तब बस मेरा इस्तेमाल कर रहे थे ताकि सही टाइम आते डैड दी दौलत हासिल कर सके। इन्हें माफ कर दो, मैं इतने साल तुहाडे नाल गल ना करके बहुत वड्डी गलती कीती। मैं भी जानता ना कि तू मां दी सच्चाई पहले तो जानती सी। तैनू पता सी कि जे सच तो पर्दा हटिया मैं सह नहीं पावांगा, पूरी तरह टूट जाऊंगा। इसलिए तू मेनू कभी सच नहीं दस्या। देवांशी पहला अपने मन नू शांत करो, ठंडे दिमाग नाल सोचो। ऐ समा एक घर छड़ के जान दा नहीं बल्कि उन्हें अपने का साथ देना है जेड़े अपने ने मम्मी जी के सामने थोड़ा साथ देना चुनिया। इतने रह के उन्होंने हक की लड़ाई लड़न का है, उन्होंने कदम ना कदम मिला के चलन का है। नहीं मेरे को मम्मा ना लड़न की हिम्मत नहीं है। जिस मां ने मैं इतना प्यार किया है मैं हूं उसके खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता। गलत सहन वाला गलत करने वाले तो वड्डा गुनहगार होंगे। हाँ पर जाई जी ने तो गलतियां दी हद पार कर देती है। नहीं गलत तो मैं करता आया ने, मैं हर पास मम्मा ने अपनी जिंदगी मान लिया। इसलिए तो चाह के भी मैनू सच नहीं दस सके। तेनू भी यही कहांगा कि तू भी अपने 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 पिंड वापस चल। घटो घट डर उत्ते तेरे उत्ते छत तो होगी। नाले मैं भी जानना कि तू अपने नाल खुश रहेंगी ने। मेरे लिए बहुत कुछ किया ने, मैं तेरे तो होर एहसास नहीं ले सकता। अले नैन तू इत्थे करेंगी भी की? कारण कर नहीं रहा, लालच दी नीं ते खड़िया मकान रह गया है। इना पैसा इना दौलत का की फायदा ने? बस फिर दुध का दुध ते पानी का पानी हो जाएगा। नहीं नहीं दारजी असि इदा नहीं कर सकते। पर क्यों नैन? क्योंकि मैं त्रिशवच वेख्या सी कि मम्मी जी पापा जी नूं मारन दी धमकी दे रहे सी। कह रही सी मैं दिवांश की जिंदगी बर्बाद कर देंगी, वो अपनी जिंदगी लई पल पल तरसेगा। ते तुसी रीटा का ये ड्रामा उपर स्वर्गा च बैठ के आराम नाल देखा। थानू पता पापा जी नूं हार्ट अटैक एवं नहीं आया सी। जद उन्हां नूं मम्मी जी की सच्चाई पता लगी सी उन्हां तां हार्ट अटैक आया सी। ते
मम्मी जी कैनेडा पापा जी नू मिलन नहीं। चलो मन दे ले गई सी। पैसे मैं थानू दोवां नू मम्मी जी दी असलियत विखाण दे ले। मैं ते पुआ जी ने पापा जी दे मौत दी झूठी खबर इत्थे पिछवाण दा फैसला किया ताकि खबर मिल दे रीटा मम्मी जी अपने असली रूप दे विच आ जाए। देखो मेरा प्लान कामयाब भी होया। जितने इन्होंने मौत की खबर पता लगी मम्मी जी ने पापा जी की सारी प्रॉपर्टी सारी जायदाद से अपना हक जमाना शुरू कर दिता। जे ये ढोंग में ना करती ना देवांश जी मम्मी जी की सच्चाई अपने सामने कभी ना आती। मैं पहले जानता सी तू रीटा की असलियत दुनिया के सामने लियाना चाहनी पर मैं ये नहीं सी जानता कि राजवीर दे जिंदा रहन दी खबर छुपान पीछे एडा वड्डा कारण है। ये सब सुनने तो बाद भी तुसी घर छड़ के जाना चाहते हो? बड़ी मां मुक्ता माता थानू छड़ के कदों दे चले गए पर हुण मैं राजवीर फिर बचे नूं तुम्हारी जिंदगी चो कदे नहीं होण दवांगी कदे भी। तेनू इतने खड़े होके ऑर्डर देने किन्ने क्या दसी जरा वकील साहब हो गए सारे दर्शन। चलो तितर हो चलो। मामा जी खबरदार जे तुसी वकील साहब दे नाल इस लहजे दे विच दोबारा गल की वो साडी फैमिली का दुश्मन नहीं है वो इतने साडे लिए आए ने। इधर मुंह करी जरा आई वड्डी सच्चाई दी देवी तू किस हक नाल इस वकील नूं इत्थे रोक रही है तू हुंदी कौन है नाले तू ता आप थोड़े देर दी मेहमान है इस घर च इहदा फैसला तुसी नहीं करोगे ते रही है ना दी गल ए इत्थे देवांश जी दे नाल गल कीते तो बिना किते नहीं जाणगी। जेकर मैं साबित कर चुकी है ना कि मैं इस घर की मालकिन है फिर दोबारा तो पंचायत क्यों लगाई है ते नाले ये अंकल जी दे वकील कितों आ गए ये तो शक्ल ते फ्रॉड टाइप लग रहा है। ओ हेलो निकलो बाहर मैं इस घर की मालकिन हूं मेरा जैस्मिन तू इन्हां नूं छड्ड तू अपना दस तू किवें साबित करेंगी कि जेड़ी वसीयत तू लेके आई है वो असली है ते जो मम्मी जी दे कोल है वो नकली है तेरे कोल कोई सबूत नाल एक गल हो जे तुहाडे दोवां वकीलां नूं अपनी अपनी गल रखण दा मौका मिल सकदा फिर एक मौका तां इस कायदे दे नाल पापा जी दा वकील नूं भी सानूं देना चाहीदा है कि वह अपनी गल भी साडे अगे रख सकन। क्यों देना चाहिए जेकर मैं कह चुकी हूं कि मेरी बिल्ली असली है तो मतलब असली है। ये झूठ बोल रही है दीदी जी वाली बिल ही असली है नाले तुसी आप सोचो कोई भी बंदा अपनी जायदाद बाहरले बंदे नूं क्यों देके जाएगा। मामा जी की पता कहानी च कोई नवा ट्विस्ट आने वाला होए वैसे जे तुसी दोवें सच्चे हो तो थानू अपनी अपनी सच्चाई नू साबित करन दे लई ना डर क्यों लग रहा है। अपनी वसीयत दे विच्चों एक पॉइंट चेंज किया उन्होंने देवांश की वाइफ की जगह क्लीयर शब्दों में नैन खुराना का नाम लिखवा दिया है। इस करके राजवीर की जो भी प्रॉपर्टी है उनका एक घर शेयर मार्केट बिजनेस वगैरह सब कुछ नैन का हो चुका है।
हाइकल होर जेकर अगे जाके दिवांश किसी भी कुड़ी नाल शादी करेगा ता भी सारा कुछ नैंदा ही रहेगा। वाओ नयन, तू तो इस घर की मालकिन बन गई। डैड का विजन कितना स्ट्रांग सी, वो पहला ही समझ गए कि इस घर नूं ते इस परिवार नूं जे कोई चला सकता है तो वो नयन है। राजवीर अपना वकील कदी नहीं बदल सकता। देवी प्रसाद ही अज तक ओदे काम करदा आया है ते ओही सारे काम करेगा। फिर राजवीर अपनी वसीयत किसी होर वकील को क्यों बनवाएगा? ना ते वसीयत नकली है ते ना वकील नकली है। दारजी मान लिया कि ये वकील जीजा जी दा है, पर सानू की पता नैन ने अपने मतलबी नू खरीद लिया होवे। मैनू पता सी मामा जी ये सवाल जरूर चक्कणगे। नाले असे किदा मान लिए कि देवी प्रसाद ते नयन दे विच कोई डील नहीं हुई? जिदा जैसमीन ते जैसमीन दे प्यो ने रल के नकली वसीयत बनाई है, ये दोवें रल के भी ते काम कर सकते ने। नाले की गरंटी है कि इन्हां दी जिहड़ी विल है ओह असली है ते साडी विल नकली? जिदा वकील नयन दे नाम की माला जप रहा है ना, की पता ये दोवें मिल के कोई टीम बना के बैठे हो। पोंपी ठीक कह रहे, बहुत तेज है कुड़ी, सीधा नौकरानी तो महाराणी बनन का सपना देख रही है। मामा जी अपने आप नु सही साबित करने लिए सारा दोष नयन ते ला रहे। चलो भाई कम कर दे, दोनों वसीयत आप कट्ठिया रख के देख लेने हैं, पता लग जाएगा केड़ी असली है ते केड़ी नकली है। दीदी जी ये ना हो देना, नहीं तो आप पक्का फसांगे। पागल, जे असी इन्हां नूं रोकिया तो इन्हां नूं साडे ते शक हो जाएगा कि साडी विल नकली है। ये तो वो गल हो जानी चोर दी दाढ़ी च तिनका। तुसी दोवें कन्ना च की गल्लां कर रहे हो? की होया मम्मी जी, तुसी डर गए? इस च डरन वाली केड़ी गल है, मिला लो दोवें विल। ले आओ, तुसी भी आओ। हां जी हां जी बिल्कुल, असी कड़ा गलत काम कर रहे हैं, हमें पता लग जाएगा। चंगे तरीके ना मिला लो। क्यों मम्मी जी, हुण भी अपनी गलती मनोगे या हजे कोई होर बहाना बाकी है? हुण मेरी असलियत सब दे सामने आ चुकी है, हुण मैं की करां? कि मेरे अन्ने सालां दी खेड़ खत्म हो जाएगी। भज गया वो वकील। इस बार तो नयन ने तुहाडी सारी खेड़ ही बिगाड़ दित्ती। तुहानू की लग गया सी यह सब कुछ तुहाडा हो जाएगा? तुसी अपना असली रूप दिखा के सानू सारिया नू इस घर तो बाहर कर दोंगे, पर अफसोस कि नयन ने तुहाडी खेड़ ते तुहाडी किस्मत दोवें ही पलट दित्ती। इन्ने सालां तो तुसी दिवांश दे नाल झूठी ममता दा नाटक कर रहे सी कि अज तुसी ओहदे नाल नजरां मिला पाओगे। जरा देखो दिवांश दी अखां दे विच, ना सिर्फ दिवांश दी अखां दे विच
बल्कि इस घर के हर एक मेंबर की अखां दे विच तुहानूं ना अपने लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत ही नजर आएगी। वैसे भी जे तुहानूं पहलां तो ही पता लग जांदा कि नयन दे कोल तुहाडे खिलाफ पक्के सबूत ने तां तुसीं उहनूं नुकसान पहुंचाउण की कोशिश जरूर करनी सी। क्यों सही कहा ना मैं? तुसीं सारे इदां ही खड़े रहो, मैं हुणे आई। ये किट्टी हुण केड़ा नवा ड्रामा करने वाली है, किते पुलिस नूं तां नहीं बुला रही? उनकी है सानू झाड़ू नाल कुटन वाली है। दोनों भैन भरावां दे इस घर दे च कोई जगह नहीं। मैं आज तक रीटा ते अखां बंद करके विश्वास कीता सी, इन्हां दोनों नूं घर रख के आज मैं महसूस किया कि मैं इन्ने साल दोनों नूं सप्पां नूं दुध पिलांदा पिया सी। ने मौका देखते ही सानू सारयां नू डंक मार दिता। मैं इनू वड्डी नू दी घर च जगह नहीं दित्ती सी, बल्कि राजवीर दी पहली पत्नी ममता दी जगह भी दित्ती सी। मैं अपने निक्के जे पोते दिवांश नू इहदे हत्थां च इसलिए दे दिता कि दिवांश नूं कदी मां दी ममता दी कमी महसूस ना होवे। यही मेरी सब तो वड्डी गलती सी। तुसी कौन हो? मैं तेरी मां रीटा मम्मा। मेरी मां तो मर गई। जेड़ी छड़ के चली जाए वो मां किद्दा हो सकती है? आज तो तेरी असली मां मैं ही हां। राजकुमार ने डाकू नाल लड़के अपनी मां नूं बचा लिया। जे किते मैनू डाकू ने फड़ लिया ते तेरे तो और इस घर तो दूर कर दिता ताकि तू मैनू बचाएगा? मां मैं तुहानूं कदी कुछ नहीं होने देंगा। तुसी मेरी मां हो ते एक कर साडा महल है ते इस महल तो तुहानूं कोई डाकू नहीं कढ सकदा। निकल मेरे घरों बाहर, तू ते तेरी भैन एक नंबर दे भुखे ते लालची हो। निकल इत्थों। निकल बाहर इत्थों। जे मम्मा अपनी मर्जी ना घर छड़ के जाना चाहते ने ते उन्हां दा फैसला होएगा, मैं इन्हां नूं नहीं रोकांगा। पर जे मम्मा इत्थे रहना चाहते ने कोई उन्हां नूं नहीं रोकेगा।
उन्हें सब कुछ ठीक करन दा एक मौका तो मिलना ही चाहिए। सही नूं इंसाफ दवान दे ले ते पापा जी दे हक नूं गलत हत्थां तों जान दे विच रोकण दे ले तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद। नहीं मेरा नहीं तुहाडा धन्नवाद है। क्योंकि जे अज तुसीं ना हुंदे तां राजवीर जी दी वसीयत नूं एग्जीक्यूट करना ते उहनां दे हक नूं बचाउणा इंपॉसिबल हो जाणा सी। मैं तो सिर्फ अपना फर्ज अदा किया। मैं रब के यही अरदास करदा इस सच की लड़ाई विच हमेशा तेरी जित होवे। लो पुत्र चंगा बेटा मैं हुण चलदा। अच्छा जी सत श्री अकाल। तुसी दीवान जी दे भोलेपन दा भावें फायदा चक सकदे हो पर तुसी मैनूं उन्नी चंगी ना समझना क्योंकि हुण मेरियां नजरां तुहाडे ते होर भी टिकियां रहणगियां। जे मेरे दीवांश जी या इस परिवार के किसी भी मैंबर से कोई भी मुसीबत आई तो मैं उन्होंने दुश्मनों को छड्डांगी। इस परिवार की रक्षा के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं। हूँ यह लड़ाई सही ते गलत दे विचकार यानी थोड़ा मुकाबला मेरे नाल जे तुसी इस घर च रहना तो थानू शांति दे नाल रहना पाएगा अपनी चालां ते काबू रखना पाएगा क्योंकि हुण नयन दे नयन थोड़े ते 24 घंटे टिके रहने। जे तुसी नुकसान पहुंचाना चाहते हो तो मैनू पहुंचा के दिखाओ क्योंकि मेरे रहिंदे तुसी दीवार जी नूं तां नुकसान पहुंचा नहीं सकते। मैं सोचता सी हर इंसान बदल सकता है कोई भी मैनू धोखा दे सकता है पर मेरे मम्मा मैनू कदी धोखा नहीं देंगे। वह हमेशा मैनू अपने नालों वध प्यार करेंगे पर वेख उन्होंने भी मेरा भरोसा तोड़ दिता। थैंक यू नयन सिर्फ तेरे करके मैं मम्मा की यह सेल्फिश साइड वेख सकिया। जे तू ना होंदी तो पता नहीं मम्मा मैनू होर कितने साल इदा ही धोखे च रखना। दीवांश जी अज पूरा परिवार थोड़े नाल खड़ा है सब थानू पहला की तरह बहुत प्यार करते ने। मैं तो सब तो ज्यादा प्यार मम्मा नाल करदा सी ना फिर उन्होंने मेरे प्यार की कदर क्यों नहीं की। मैं दीवांश जी ने इस हालत च नहीं वेख सकती उन्होंने इस हालत च वेख के मेरा मन रो रहा है। चल रीटा हो जा शुरू अपने अंदर दे मगरमच्छ नू जगा ते अपने नकली हंजू बहा।
सहदेव जी तुसी किथे जा रहे हो? हुण मैं इस घर ते नहीं रुक सकदा। पर क्यों? तुहाडी तां कोई गलती भी नहीं है। फिर तुसी अपने आप नूं किस गल दी सजा दे रहे हो? मम्मा इन्ना कुछ करन दे बावजूद भी बेशर्मा वांग इस घर च रहण लई तैयार हो गए। बस यही सोच सोच के मैनूं गुस्सा आ रहा है। उत्तों दिवांश वीर जी ने भी उन्हां नूं जाण तों रोक लिता। आखिर की लोड़ सी वीर जी नूं मम्मा नूं इत्थे रोक के रखण दी? उस औरत दे नाल मैं इक छत दे थल्ले बिल्कुल नहीं रह सकता। मैं इस घर नूं छड़ के जा रहा। सहदेव जी रुको, मेरी गल तां सुनो। प्लीज भाभी मैनूं ना रोको। दिवांश वीर जी ने जो फैसला लेना सी उन्होंने वह फैसला ले लिया, ते उन्होंने इस फैसले तो बाद हुण मेरा ही फैसला। सहदेव जी, सहदेव जी, सहदेव जी रुको। दिवांश मैं तेरे नाल गल करनी सी। कि मैं अंदर आ सकती हूं? ममता देवी मेरे तो बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं दिवांश नाल बहुत गलत किया है। तुसी जेड़ी जिम्मेवारी मैनू देके गए सी मैं वो निभा नहीं सकी। मैं हार गई हाँ ममता दीदी। मैनू तो दिवांश की मां कहलाण दा भी कोई हक नहीं है। मैं तो दिवांश की दुश्मन ही बन गई ममता दीदी। मैनू माफ कर दो। मैं किसी ना कोई गल नहीं कर। तुसी प्लीज जाओ इत्थों। दिवांश मैनू पता है तू मेरी गल सुननी तो दूर मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। पर मैं अपने मन की गल करके ही रवांगी। बस एक बार अपनी मां ते एहसान कर दे दिवांश। मैं तुहाडे नाल कोई गल नहीं करती। तुसी मेरे मम्मा नहीं हो सकते। मेरे मम्मा इदां दे तां बिल्कुल नहीं सी। उन्हां ने बिना किसी मतलब दे प्यार कीता मेरे नाल। तुहाडे वांग जायदाद ली नहीं मैं कदे भी तुहानूं मतरिया नहीं समझा। पर तुसी अपने मूहो कह कि मैं तुहाडा अपना कोई नहीं हाँ। मतरिया भरा मैं नकुल दा। फिर हुण इस मतरे मुंडे नाल की गल करन आए हो तुसी? नहीं मम्मा जो हंजू निकल रहे है ना निकल लें दो। जो दर्द है ना मेरे अंदर मैं लें दो क्योंकि मैं कदे सुपने च भी नहीं सोचा सी जिस बार मैं दिलों अपना मंदा रहा वो मेनू एक दिन मतरिया कह दे। क्यों किया तुसी इदा? जवाब दो। क्यों किया मेरे ना इन्ना वड्डा धोखा? दिवांश मैं जानती हूं कि मैं तेरिया नजरों च बहुत माड़ी हाँ। लालची हाँ, मतलबी हाँ। ये सब कुछ जो भी गलत होया ये सब मैं किया है। इसलिए मैं फैसला किया है कि मैं नकुल ते पंपी